हाय गाइस, ओम वर्दिया, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो इनके घर पे दो बिल्ले हैं, मतलब कुछ करते ही नहीं है। कैट है ना, इसके माइक लगा हुआ है, तो उसको देखकर थोड़ा सा घबरा गया और उसको देखकर मैं घबरा गया। तो आप लोग को जैसा मैंने पहले बोला था कि हम लोग जाएंगे वो एरिया जहाँ पर यू नो चोरी लीगल है, लीगल नहीं है, मतलब आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, यार आप लोग को तो पता ही होगा, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। बट उससे पहले मैंने सोचा आपको मैं यश से मिला दूँ। सचना से तो आप लोग मिल चुके हो और ये रहे यश। यश, क्या हाल चाल है? हेलो, बढ़िया बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया। और यश, आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो? मैं 17 साल कैलिफोर्निया में, और ओवरऑल मुझे करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो आज, और ये रही इनकी बेटी। हाय, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आशना, एंड यू गोइंग टू स्कूल? थोड़ी बात कर लेते हैं और उनको थोड़ा आपको घर दिखा देते हैं। एक तो यहाँ जो साफ सफाई हो रही है, कहाँ गया वो साफ सफाई वाला? ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये देखो, ये साफ सफाई के लिए यहाँ पर ये क्या बोलते क्या इसको, रोबो। और जब मैं यहाँ पर आया था तभी उसी रात इन्होंने एक गाड़ी ली थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट, आपको तो पता ही है मुझे गाड़ियों का कितना शौक है, तो इनकी गाड़ी फुली इलेक्ट्रिक। कौन सी गाड़ी है बताओ? इलेक्ट्रिक है, ऑडी। अच्छा, ई-ट्रॉन। अच्छा, ऑडी ई-ट्रॉन जी। अच्छा, ये आप गाड़ी दिखा दो यार जी, सबको दिखा दो, ऐसे ऐसे मजा नहीं आया। किसने कुछ तोड़ दिया ब्रो? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग ब्रो, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। जा रहा है काम पे, निकल रहा है? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। मुझे यार एक चप्पल दे दो, कोई है क्या? सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। ऑल द बेस्ट ब्रो, आई सी यू सून। थैंक यू सर। हाँ, और ये गाड़ी है इनकी, ई-ट्रॉन। ये ऑडी की गाड़ी है ना? ऑडी ई-ट्रॉन, ऑडी ई-ट्रॉन Q4 है। हाँ जी, इसमें अलग अलग साइजेस के आते हैं, Q4 थोड़ी छोटी, बाय ब्रो, Q5, Q6, Q7। अच्छा, बट ऑडी अभी कुछ ही साल में, पहले कैलिफोर्निया का लॉ है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लीट, कार फ्लीट शुड बी इलेक्ट्रिकल, ग्रीन व्हीकल। अच्छा, तो इस चक्कर में सारे कंपनीज, पहले तो टेस्ला था ही, तो उसके अलावा सारे कंपनीज अपना अपना ग्रीन व्हीकल करना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो ऑडी लॉन्च्ड इट रिसेंटली आई गेस, आई डोंट नो। गैस प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो उसी दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर ज़्यादा चला, बहुत ज़्यादा चला। और ऐसे भी कैलिफोर्निया एक ऐसी स्टेट है जो हर चीज़ में पहल ज़्यादा यू नो करते हैं। देखो गाड़ी इनकी ऐसी अंदर से देखते हैं, बट उससे पहले यू नो मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपके, अगर आपकी परमिशन हो तो घर अंदर से अगर दिखा दे तो। हाँ, चलेगा? चलिए बिल्कुल। हाँ, अभी क्या, जो घर के जो मेन आदमी उनसे परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि भाई किसी के घर के अंदर चला जाऊं और वहां पर जाकर उनके घर पे घुस जाऊं और बता दूं भाई ये घर है यार, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट या गुड टू हैव, अच्छा लगता है कि अगर पता चले किसी को कुछ। हाँ नहीं, बराबर है बराबर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा इंटरेस्ट भी होगा कि भाई यहाँ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के इस एरिया में अगर ऐसा वाला आपका घर है तो मतलब वो अंदर से कैसा है, तो कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत दिखा दे, एक रॉ रखते हैं, ज्यादा सिनेमैटिक देखूंगा, कोशिश करूंगा। तो ये तो मेन एंट्रेंस है। हाँ जी, यू नो जनरली टू डोर एंट्रेंसेस होते हैं। हाँ जी, जनरल घरों के। हाँ, ये रैंच स्टाइल है, कस्टम मेड हाउस है। हाँ, तो ये आपका हॉल है, ये मेन हॉल है, राइट? ये मेन हॉल है आपका, और लिविंग एरिया जिसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ आप, बट जब से मैं आया हूँ यहाँ नहीं बैठे हम लोग, ये लिविंग ये लिविंग एरिया नहीं, लिविंग एरिया को लगकर यहाँ पर ये पैसेज है, और दूसरी ये भी पैसेज जाती है, और ये पैसेज है जो जाती है फैमिली रूम की, फैमिली रूम की, किचन की तरफ। चलो 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 चलो, आप ही लेकर चलो। और ये एक रूम है जहाँ पर मैं रुका हुआ था, अंदर झांकने की नहीं जरूरत, मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है? ये बाथरूम है, और यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी एक रूम है, ये भी एक बाथरूम है, ये बड़ा सा हॉल है इनका, ये भी लिविंग एरिया ही बोलेंगे ना, फैमिली फैमिली रूम, सब नाम दिया हुआ है। और ये इसको बोलते हैं पैंट्री, दिस इज पैंट्री, यहाँ पर सारा राशन पानी सब जमा होता है। नहीं नहीं चलेगा, ओके। ये देखो इनका बिल्ला, इधर पूरे नाखून अपने शार्प कर रहा है। हाँ भाई, क्या तकलीफ है,
हाँ, तो ये है इनका किचन, जहाँ पर मोस्टली हम लोग कल रात को भी हम लोग इधर ही बैठे थे, जब आए हम लोग बाहर से, सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, हमने यहाँ पर बहुत धमाल मस्ती की। ये दूसरा है, ये इनका पप्पी है, और ये इनका बेटा है। बेटा किधर गया? हेलो, से हेलो, इज मेकिंग अ वीडियो, हाय। अभी उठाए ये, अभी इसका नाम नील है। अच्छा, अभी उठाए, ही इज 8 इयर्स ओल्ड, राइट नील? संडे है ना, तो आलस आ रहा है उसका, आज स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, यूएसपी ऑफ द होम। अच्छा, चलिए आप ही चलिए आगे। ओहो, मौसम आज भी थोड़ा ठीक है, यहाँ तो बहुत अच्छा है आज, नहीं तो अभी ठंड होती थी, काफी बारिश भी हुई थी पिछले हफ्ते तक। अच्छा, यहाँ पे ओशन के कारण थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होता है क्लाइमेट का, तो उस चक्कर में हमारा दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक बारिश चलती है। चलो बढ़िया, उस पर ब्रेक भी हो गया, काफी अच्छा भी है मौसम। तो ये बालकनी आप बोलेंगे, एक बड़ी सी बालकनी है जो आगे जो कनेक्ट करती है हॉल को, राइट? हाँ, ये पूरा रन अराउंड बालकनी है, एक किचन से लेके ऑल द वे। हमने जब एंट्रेंस किया था तो दैट्स द लिविंग रूम। हाँ जी, अच्छा, पेड़ वगैरह आपने भी, पौधे वगैरह अच्छे लगाए हुए यहाँ पर। ये तो कोविड के टाइम पे जो जो लेके आए थे तो शौक चढ़ा था कि कुछ नहीं है तो फिर गार्डनिंग ही कर लेते, उस चक्कर में सारे पौधे। चलो, घर की वाइब बहुत बढ़िया है। जो आपका मंदिर है ना, मैंने देखा आप मतलब एक कट्टर सनातनी हो, हाँ, राम सिया राम चलता रहता है आपके मुंह में। आपने भी यहाँ पर बजरंग बली का एक पेंडेंट भी डाल रखा है। डाल रखा है, मैं समझ गया था, ये देखो। बहुत बढ़िया, और एक खूबसूरत सा मंदिर बनाया आपने, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है इस साइड? ये एक ही फ्लोर पे सारे बेडरूम्स वगैरह थे, जैसे आपने किचन और फैमिली रूम देखा। हाँ जी, ऑन वन साइड। हाँ जी, और एक बेडरूम जो रोहन रहता है, दो बेडरूम है। हाँ, वो बता दी। इस तरफ यहाँ पे मास्टर बेडरूम और दो बच्चों के रूम। अच्छा, इसी फ्लोर पे आपका बेडरूम है, राइट? हाँ, इसी फ्लोर पे सारे बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है। इस साइड है आशना का रूम है। हाँ जी, ये आशना का रूम है। ये आशना का रूम है। अच्छा, और अभी जो थोड़े टाइम पहले जो आप समेट रहे थे। ये जो नील का रूम, ये नील का रूम है, क्या बात है। और यहाँ से ये नजारा है, यहाँ बेड से उठे और ये नजारा मिल गया, क्या बात है। न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में कैसा होता है, बेसमेंट होता है, यहाँ बेसमेंट नहीं है। बेसमेंट का फ्लोर सेकंड फ्लोर, यहाँ का फर्स्ट फ्लोर नीचे। अच्छा, बिल्ला भी जा ही रहा है आपको आगे दिखाने के लिए। तो ये है आपका आज का डाउन फ्लोर। डाउन फ्लोर, अच्छा, ये देख, आपने रिहर्सल हॉल के लिए बनाया हुआ पूरा है, डांस प्रैक्टिस करते रहते हैं यहाँ पर लोग। आशना डांस करती है, और वैसे भी यू नो इट्स यूजफुल, यहाँ पे पार्टियाँ, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह, और मैं बाकी दो रूम बड़े वाले जो हम ऑफिस रूम की तरह यूज करते हैं। अच्छा, इतना नीचे स्क्वायर फुटेज, जितना ऊपर था उतना ही नीचे भी। ओके, ये मेरा ऑफिस है। ये आपका ऑफिस बना? देखो, पहले वाले वीडियो में, व्लॉग में हम बताए थे कि घर की जो कीमत है क्या है, बट एक बार वापस से, क्योंकि ये व्लॉग अलग से बन रहा है, तो आप लोग को अगर पूरी इन्फॉर्मेशन मिले तो ही मज़ा आता है, वरना तो नहीं मज़ा आता है, फिर आपको वापस जाकर वो व्लॉग देखना पड़ेगा। तो ये जो घर, टोटल इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी आपको? टोटल कॉस्टिंग जब हमने खरीदा था, हाँ जी, 2.7 मिलियन, विच इज 27 लाख डॉलर्स। 27 लाख डॉलर्स। और ये जो एरिया है जी, इस, ये कौन सा एरिया है एग्जैक्टली? ये सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, इसका नाम है कैस्ट्रो वैली। देखो भाई, अभी ज़्यादा डिटेल्स में मैं जा नहीं सकता कि मंथली कितना आता है और यहाँ कितना पे करना पड़ता है, वो इंटरेस्ट रेट पे, और कब आपने ख़रीदा है, आपको बैंक कितना सपोर्ट करता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर क्या है, वो सारा डिपेंड करता है ना उस पर, तो वो अलग अलग होता है। कभी कभी आपको ज़्यादा भरना पड़ता है इंटरेस्ट रेट, कभी कभी कम पर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कम इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो यही है, करेक्ट बोल रहा हूँ ना? हाँ, बिल्कुल सही। एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है घर खरीदने से पहले, कैलिफोर्निया में प्राइजेस घर के बहुत ज़्यादा हैं, तो और इक्वलेंटली उसके प्रॉपर्टी टैक्सेस भी लगभग 1.2% प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं, तो
हिसाब लगा लो तो करीब 30,000 पर ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स, $30,000 मैंने घर खरीदा सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, ये प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया है, इसका टैक्स, इसका टैक्स। तो दैट इज अनदर बिग एक्सपेंस। बाकी आपका ईएमआई है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर, आपका इंटरेस्ट कितना है, तो फिर उस हिसाब से वो बैंक आपको लोन देता है, जैसे भी जितना डाउन पेमेंट करोगे उस हिसाब से। चलिए बढ़िया है भाई, घर के बारे में पता लग गया आप लोग को। जिस ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था गाड़ी गाड़ी से, तो गाड़ी दिखा देते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये गाड़ी इनकी ऑडी की, ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो चार्ज पे ही चलती है, और कुछ ऐसी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। आपने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है, आपके पास हमेशा से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रही हैं कि नहीं? हमने इससे पहले टेस्ला ले रखा था। हाँ जी। तो बट अगेन आगे जाते हुए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, एंड सिटी ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका 300 miles का जनरल एवरेज मिल जाता है। अच्छा। मोस्ट ऑफ द कार्स इसकी इतनी नहीं है, 225 है। हाँ जी। इसके नए वर्शन जो आ रहे हैं तो शायद उन्होंने थोड़ा बैटरी साइज बड़ा कर दिया है, तो इट वुड बी प्रॉबली अराउंड 300। लेकिन कितने की पड़ी आपको गाड़ी है ये? दिस इज अबाउट $56,000 आउट ऑफ द डोर। अच्छा, बहुत बढ़िया गाड़ी है। टैक्सेस आर ऑलवेज देयर, तो इट्स अबाउट आउट ऑफ द डोर टैक्स मिला के 59 तक चली गई। 59,000, सो इट्स अबाउट 10% टैक्स। 10% है तो फिर ज्यादा है, तो ज्यादा है। फिर तो फिर 60 तक गया रहे। हाँ, कैलिफोर्निया का टैक्स ज़्यादा होता है यूजुअली, तो इसीलिए। बट या इट्स अ नाइस कार, ऑडी तो है ही, एक लग्जरी कार है, उसकी फीलिंग भी उसी हिसाब से पिकअप वेरी कंफर्टेबल। ऑल द इलेक्ट्रिक कार्स के अमेजिंग पिकअप है, इन इट्स लाइक विद इन 6 seconds यू गो फ्रॉम 0 to 60। देखो भाई, आपने जो थंबनेल देखा था उसमें थोड़ा सा हेरा फेरी की गई थी, हेरा फेरी नहीं बोलेंगे उसको, बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ एक दिन ऐसा घर मेरा भी हो। तो बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं और बातें करते हैं उस बारे में, और बोलते हैं कि ये मेरा घर है। वैसे मैंने थंबनेल डाला है और बोला है कि ऐसा घर मेरा भी है, तो बराबर बोला ना सर जी, मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है, राइट? बिल्कुल नहीं, आप ही का घर है वैसे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग क्या करते हैं कि विजन बोर्ड भी लगाते हैं, विजन बोर्ड ऐसा होता है कि बोर्ड बनाते हैं, उसमें फ़ोटोज चिपकाते हैं जो जो उनको चाहिए रहते हैं, और बहुत सारे लोगों से मुझे पता लगा है कि वो सच भी होता है बहुत बार। तो हम भी ट्राई करेंगे। हाय, तो हमने अपने जो भी मुझे लगा कि शेयर करके अच्छा लगेगा, वी आर एंडिंग दिस व्लॉग हियर। अभी हम रोहन को सैन फ्रांसिस्को सिटी घुमाने ले जाएंगे। आप तो नहीं आ रहे हो यार? मैं नहीं जा सकता, मेरे को थोड़ा सा काम है, बट सचना विल कैरी ऑन फ्रॉम हियर ऑन। चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच। चाओ, see you all again, thank you. Thank you. Okay, bye bye, thank you so much for watching this video, keep watching, keep motivating, I love you all, and please be safe. Bye bye. Bye bye bol diye yaar. Bye.